हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूँ आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नरसिंह गुरु जी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ गई और काफ़ी मैसेज आ रहे थे, सर इस वैकेंसी को कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या डेट होगी, क्या इसका क्राइटेरिया होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, वो सारी चीज़ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक प्लीज़ कर देना सपोर्ट के लिए, आपको हर वैकेंसी सबसे पहले देने के लिए, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए सबसे पहले बता दूँ, इसके अंदर पोस्ट रहने वाली है नर्सिंग ऑफिसर की, पोस्ट रहने वाली है। टोटल जो देख रहे हो वो टोटल ही नर्सिंग ऑफिसर की पद है, ठीक है। और जो कुल पद इसके अंदर दिए गए हैं वो ये कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, वो 37 पोस्ट टोटल इसके अंदर रखी गई है, ठीक है। आगे मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर जो फीस वगैरह लगेगी वो काफ़ी ज़्यादा फीस रखी गई है, ठीक है। अभी आपको बता दूंगा कौन कौन तो अप्लाई कर सकता है। जो जनरल कैटेगरी 1000 फीस लगने वाली है, ठीक है। और जो क्रिमिनल है, यानी कि केवल गैर क्रिमिनल है, क्रिमिनल तो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और ओबीसी वाले हैं वो 90 रुपीज़ देंगे, ठीक है, 900 रुपये। और जो ST/ST के लिए वो भी 800 रुपये रखी गई है फीस इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे मैं बता देता हूँ उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आपको जानने के लिए। चलिए सबसे पहले बता दो आपको, इसके मैंने 10th 12th आपको होना ज़रूरी है, ठीक है। और 12th भी उत्तीर्ण होना जरूरी है, 10+2 यानी कि 12th आपके पास होना जरूरी है। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी वाले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, BSc नर्सिंग वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें JNM का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, क्योंकि JNM वाले डेफिनेटली जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से किया वो ही BSc नर्सिंग कर सकते हैं, JNM नहीं कर सकते, तो JNM वालों के लिए वैकेंसी नहीं है। दूसरा मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर होना चाहिए मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीकृत परिचारिका होनी चाहिए, यानी कि आप MP से हो तो ही इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी बच्चों का कहना था कि सर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसमें ओनली MP वाले अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार आप ट्राई जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैकेंसियाँ रही हुई है पिछली, जो प्रीवियस में मैंने बताया था कि बहुत सारे क्वालिफिकेशन क्या डालते हैं और वो फॉर्म में फिल कर लेते हैं, फाइनली ये बहुत बार हुआ है, तो आप एक बार ट्राई जरूर करना। और स्पेशली बात है कि ये जो वैकेंसी रखी गई है वो ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है, तो मेल कैंडिडेट्स उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली फीमेल नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी रखी गई है, 37 टोटल पोस्ट है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर अप्लाई कर लेना। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको कोचिंग करनी है ना, तो सबसे बेस्ट कोचिंग आपके लिए है SNA नर्सिंग अकेडमी, शिवांगी नर्सिंग अकेडमी, जो कि बेहतरीन कोचिंग आपके लिए रखी गई है, सिलेक्शन फैक्ट्री बन चुकी है। डेमो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डेमो अभी चल रहे हैं, 15 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ, आप ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन। कॉन्टैक्ट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी डिटेल डाल दी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, लव यू टू, बाय फ्रेंड्स।